कहते हैं सरप्राइज। इधर दीपू तिजोरी खोल रही है डबल निकालने के लिए। स्मार्ट हो रहे हो यार। ना यार घर पर बहुत स्मार्ट है सा। परदेशी नहीं कोई इतनी तो ना बहुत। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है इनकी, जरा जिंदा रखना है इनको। क्योंकि हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो न्यू व्लॉग की शुरुआत हो रही है एक नई सुबह से। सुबह के अभी बज रहे हैं 7, हम लोगों ने चाय पी ली है। तो आज मेरा व्लॉग काफ़ी दिन बाद बन रहा है। तो आज है नवरात्रि का 8वां दिन, तो आज अष्टमी है। तो मैंने और मम्मी ने घर में पूरे व्रत ले रखे हैं। आज मैंने पहली बार ही पूरे व्रत ले रखे हैं, नहीं तो मैं फर्स्ट सेकेंड ऐसे ही 5वां और अष्टमी नवमी ऐसे लेती थी। तो पहली बार मैंने नवरात्रि के पूरे व्रत ले रखे हैं। तो पहले मुझे डर लग रही थी कि मैं पूरे फास्ट ले पाऊँगी या नहीं ले पाऊँगी करके, लेकिन फिर मैंने ले लिए। आज अष्टमी है तो मैंने 8 व्रत तो ले लिए, कल नवमी है। तो भूख तो इतनी नहीं लग रही है, सही हो रहा है। मतलब जिस टाइम पे हमारा लंच टाइम और नाश्ते का टाइम होता है उस टाइम पे भूख लग रही है, और बाकी ठीक ही है। और थोड़ी सी वीकनेस तो हो ही रही है इतने दिन फास्ट लेके। इधर इनका क्या चल रहा है, इधर इनके कपड़े फोल्ड हो रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल दीपू और मम्मी नीचे पे हैं, नीचे कमरे में हैं। तो आज काफ़ी दिन बाद मेरा व्लॉग बन रहा है, क्योंकि इन दिनों मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। व्लॉग बनाने के लिए ऐसा कुछ था भी नहीं, तो बस मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो आज मेरा व्लॉग बन रहा है, और आपको सबसे पहले कमरे की हालत दिखाती हूँ। कमरे की हालत कैसी हो रही है, कमरे की हालत देखिए कैसा हो रहा है। जैसे कमरे की हालत हो रही है ऐसे आप अनुमान लगा सकते हो कि हमारी पैकिंग चल रही है। ये देखिए, उधर मेरा मेकअप का सामान पड़ा है, इधर एक बैग पैक हो रखा है, एक बैग इधर है, इधर इनके सामान पैक हो रहे हैं। तो जिस तरीके से हमारी पैकिंग हो रही है तो साफ पता चल रहा है कि हम लोग आज कहीं जा रहे हैं करके। तो हम लोग आज जा रहे हैं पहाड़ वाले घर पे। तो पहले हमने सोचा था कि हम लोग यहीं पर कन्या पूजन करेंगे, क्योंकि कल नवमी है। और तो हमारा अचानक से प्लान बना कि हम लोगों ने अब घर जाना है करके, तो इसलिए हमारी अब पैकिंग चल रही है सुबह सुबह। इधर सॉक्स की दुकान देखो भगवान, ये देखो इतने सॉक्स की दुकान है इनके पास। एक ठेला क्यों नहीं खोल लेते हो तुम? किस हैं अगले महीने ठेला खोलना है। अभी इसमें कुछ सॉक्स ऐसे होंगे जिनके जोड़ी वाले नहीं होंगे, एक होगा तो एक नहीं होगा, ऐसे भी होंगे इसमें। तो इधर आधा सामान पैक कर दिया है। तो अचानक से हम लोग को पहाड़ जाना पड़ रहा है। मैं, मम्मी और हस्बैंड जा रहे हैं, दीपू तो नहीं जा रही, दीपू की ड्यूटी है। तो फिलहाल हमारी जोरों शोरों से पैकिंग चल रही है। आधी पैकिंग मैंने कर दी है, कपड़े तो रख दिए और मेकअप का सामान रखना है, तो मैंने उधर किट खोल रखी है तो वो रखती हूँ मैं। और हमारे साथ कैली भी आएगी, तो देखते हैं हम कैसे जाते हैं करके। आप वीडियो भी बने रहिएगा, आज का दिन आपके साथ शेयर करूँगी मैं। तो पहले फटाफट से पैकिंग कर लेते हैं, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा लेट लगता है पैकिंग करने में। अभी मैंने नहाया भी नहीं है, मंदिर में पूजा भी नहीं करी, सुबह उठ के सबसे पहले यही काम चल रहा है। और कल रात से मुझे धमकी दे रखी है कि टाइम पे सब पैकिंग हो जानी चाहिए करके, वरना तुझे यहीं छोड़ जाऊँगा, ये भी कह रखा है मुझसे। पैकिंग हमारी हो चुकी है, नहा के मैं आ चुकी हूँ, और एक बैग फाइनली पैक हो गया है। अभी देखो इसको रखना है, एक तो नहाना हो चुका है मेरा, मंदिर में पूजा कर ली है मैंने, और अब देखते हैं क्या करते हैं। तैयार हो गए, ये तो तैयार होकर बैठ गए थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम मैंने करना है, एक काम करना है। मैं नीचे के गमलों में तो पानी दे के आ गई ना, और ये जो बाहर बालकनी वाले गमले हैं वो बाहर रख, तो जितने भी गमले हैं सबसे ज़्यादा दुख उनका हो रहा है कि वो कहीं गर्मी में सूख ना जाए, क्योंकि सुबह शाम उनको पानी देना पड़ रहा था। और दीप्यू की ड्यूटी कभी ओवर टाइम भी लगती है तो फिर ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो कहीं ये फूल सूख ना जाएँ। तो इसलिए जो बालकनी में फूल हैं उनको मैं बाहर रख देती हूँ, क्योंकि कमरा लॉक होगा तो ये बालकनी में नहीं जाया जाएगा। रख दूँ मैं बाहर इनको? वहीं एक दो गमले मैंने यहाँ रखे हैं, कितने अच्छे फूल आ रखे हैं इसमें, वाह। इसे फैन करना, बाहर बालकनी वाले गमले तो बाहर रख दिए हैं, क्योंकि कमरा लॉक होगा तो फिर बालकनी से दीपू पानी नहीं डालता है गमलों में। और
और इधर ये तैयार होके जाने लग गए हैं क्योंकि इनको थोड़ा अपने बाइक का काम करना है। ये तो जा रहे हैं बाइक से मज़े से ठंडी ठंडी हवा लेते हुए, और हमें भेज रहे हैं, मुझे मम्मी और कैले को भेज रहे हैं गाड़ी से। हम लोग जाएंगे गाड़ी से, तो फिलहाल इनको जो बाइक का काम करना है वो कर लेंगे तब तक, फिर उसके बाद हम भी तैयार होते हैं। पहले गमलों में पानी डाल देती हूँ। हेलमेट अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, इनकी जरा जिंदा रखना है इनको। हाँ खिल रहे हैं अच्छे, दिन में भी डालोगे तो एक टाइम। हाँ सही कह रहे हो, वहाँ पे ना दो पेटी जो मैंने छोड़ दी अभी और आएंगी, फिर आने की दिक्कत हो गई, कौन आता उसको, चलो देखना फिर और आएगी इस बार, तो फिर इस बार वाली। हाँ एक टाइम भी डालोगे तो ना वो हो जाएंगे, जिंदा रह जाएंगे। हाँ सुबह सुबह या शाम को जब भी डालोगे। नीचे भी हैं अभी। हाँ इधर मैं रेडी हो चुकी हूँ, हस्बैंड तो चले गए हैं, हस्बैंड का थोड़ा बाइक का काम था तो वो रिपेयर करने चले गए हैं। तो फिलहाल मेरा सामान पैक हो चुका है, एक बैग है, एक पर्स, और कमरा लॉक कर दिया है। तो चलते हैं नीचे, मम्मी लोग तैयार हुए देखते हैं, और दीपू भी हमारे साथ ही चलेगी शायद। सामान रेडी हो चुका है, एक बैग मम्मी का है, एक मेरा, और ये भी हमारे साथ आने वाली है। कैली आ जा फिर। ये सोची शायद ये अकेले जा रही करके मुझे नहीं ले जा रही। क्या तू नहीं आ रही है, तू यहीं रहेगी, यहीं रहेगी तू। तो फिलहाल खिड़की दरवाजे सारे बंद कर दिए हैं, अब चलते हैं उधर। इसको पता चल चुका है कि मैं जाने वाली हूँ करके। इधर दीपू तिजोरी खोल रही है डबल निकालने के लिए। लाओ मुझे भी देना, हम बेरोजगार। चलो डबल खर्च करें, बहुत ज्यादा बहुत हुए हमारे 20 रुपए, 10 रुपए की टॉफी खाना, 200 दे दे बस, दे 500। चलो चलो फिर, चलो चलो, इसने खाना नहीं खाया ना, एक्साइटेड हो रही हो। हाँ हाँ चल रही है, तू जा रही है नहीं, चल फिर चल। तो हम लोग पहुँच चुके हैं रोडवेज पे, घर से हमने रोडवेज तक ऑटो बुक कर लिया था, और हस्बैंड ने यहाँ से टैक्सी बुक कर ली थी। तो एक बार हमने गाड़ी में सामान चढ़ाया और फिर से वापस निकाल दिया। इसका कारण ये है कि टैक्सी पहले ही बुक कर ली थी, तो उनने कैरली को देखा कि हमारे साथ एक कुत्ता भी है घर के, तो उनने मना कर दिया हम कुत्ते को नहीं ले जाएंगे घर के। तो हमने कहा ठीक है फिर हमारा सामान वापस निकाल दो करके, तो हमने बैग वापस से निकाल दिए। फिर हम लोग चले गए रोडवेज की तरफ, और फिर यहाँ पे हमें एक बस मिली, तो बस में हम लोग फ्रंट सीट पे बैठ गए ड्राइवर के जस्ट पीछे पे, और कैरली को एक सीट मिल गई यहाँ पे, कैरली आराम से बैठी है। तो हम निकल गए अब यहाँ से पहाड़ की तरफ।
सरप्राइज भाषा में है कि सजी वाला बचरे बचरे और कस लागो सरप्राइज के बतवा चुपचाप बिल्कुल चुपचाप देखो इसको कहते हैं सरप्राइज चाची से मिलो आमा आमा बल्ला ठीक छ आमा और चाची क्या हाल चाल हरी बढ़िया हरी बड़े गोड़े स्मार्ट हो रहे यार स्मार्ट हो रहे हो यार ना यार घर पर बहुत स्मार्ट हो रहा परदेशी नहीं कोई इतनी तो ना बहुत दूर नहीं छा हम हो बैठती हूँ फिर अरे ताऊल रंगचुन सब कर रहा ताऊल रंगचुन सब कर रहा है कुछ बढ़िया आ रहा देखो वाह कितना अच्छा खिला है हो बढ़िया हरी फूल आ रही नू हाँ हाँ मैं बनू बनू रुक ताऊ पहले हाँ ठीक ये तो कंपनी भरी नहीं रहा आप जी जीते रहो ये तो सब डा सीमेंट डिफेक्टिव नहीं रहा आज का कितना अच्छा हो रहा हरा भरा देखो पूरा हरा भरा लग रहा चाहता ताऊ चाबी तो दे दो फिर ओ ताऊ चाबी तो दे दो उनकी बात पूरी नहीं हो रही तो खड़े हो जा रहे हैं जब तक पूरी नहीं होगी मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से आज तो बढ़िया रहो चाची हरी भरी तभी तो मैंने तुम्हें कल से नहीं बताया सरप्राइज देना चाह रही थी ना मैं इसलिए तो मैं नहीं बताया चुपचाप आई हूँ मैं बिल्कुल आज तो बढ़िया हरो हरी भरी हाँ आम मतलब वो हरी फूल आम मतलब फूल हरी इमी को तो आ रहा है को ये वालो ओ ये मेरा बहुत आ रहा है चारों तरफ हरा भरा हो रहा है आजकल फूल लगे हैं पेड़ों में कसरी भीतरा हाल ठीक है री गरम होना ने ओ ये मंदिर वाला रिश्ते ही रहेगी पूरे यहाँ भीतर कुतु कुड़ो फाड़ रो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं और घर पहुंच के बहुत ही सुकून मिल रहा है ठंडी हवा आ रही है स्वेटर की जरूरत पड़ेगी यहाँ और चारों तरफ हरियाली हो रही है आजकल जितने भी फ्रूट्स वाले पेड़ हैं उनमें फल आ रखे हैं नाशपाती का पेड़ इसमें छोटे छोटे फला रखे हैं तो सबसे पहले मैं भर रही हूँ वहाँ पे पानी टंकी से बर्तन में मुझे कोई बर्तन भी नहीं मिला एक तो मेरा और मम्मी का फास्ट है तो हमने सिर्फ मैंने एक केला खाया था गाड़ी में बस और उसके बाद फिर नीचे मार्केट पे लस्सी पी थी मैंने और मम्मी ने तो अब पानी पीती हूँ एक तो फास्ट की वजह से पूरी गाड़ी में सर दर्द हो गया है तो पानी देते हैं कोई पानी की प्यास लगी पी पी पीले पीले पानी पी ये सबसे जरूरी काम पंखे की जरूरत पड़ेगी थोड़ा साफ मैंने कपड़े नहीं बदल रखे हैं और इन्हें तो कपड़े बदल दिए हैं तो हमने चाय वगैरह पी ली पानी पी लिया है और ये फैन साफ कर रहे हैं क्योंकि गर्म भी हो रहा है इधर दिन में फ़ैन की ज़रूरत पड़ रही है तो अभी फ़ैन हमने जो घर रिपेयर करा तब फ़ैन निकाल रखा था तो अभी ये दोबारा से लगा रहे हैं ओ चाची डाल रही है मिर्च में पानी खत्म हो
पानी खत्म हो गया यही बगल में लो दो क्या। तो अभी करीबन टाइम शाम के 6 बज रहे हैं। अभी बाहर पे मैं टहल रही हूँ तो थोड़ी कमरों की सफाई कर दी, ऊपर के कमरे भी नीचे कमरे भी सफाई करी और थोड़ा आंगन भी साफ़ कर दिया। बाकी सफाई कल सुबह होगी क्योंकि आज एनर्जी भी नहीं आ रही, सर में दर्द भी हो रही है, फास्ट भी है तो इस वजह से भी हो रहा है और ऊपर से ट्रैवल कर रखा है तो इस वजह से ज़्यादा हो रहा है। तो शाम का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है और सबसे ज़्यादा अच्छा हो रहा है कि चारों तरफ हरा भरा हो रहा है, हरा भरा देखिए आँखों को सुकून आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल बाहर पे फूलों में पानी वगैरह डाल दिया है और मौसम दिखाती हूँ शाम का मौसम कैसा हो रहा है। और मम्मी बाहर पे बैठी हैं और चाची के काम चल रहे हैं, चाची अभी मम्मी में पानी डाल रही थी और अब उधर पे घास काट रही है, पेड़ में गई है। तो आज से आपको सारे ब्लॉगों में चाची दिखेंगी क्योंकि मैं घर आ चुकी हूँ और हर एक ब्लॉग में चाची दिखेंगी। चाची भी कह रही थी जब से तू गई है तब से मेरा मूड ख़राब हो रखा है करके और तेरे ब्लॉगों में मैं नहीं दिखती हूँ करके। तो आज से चाची भी आपको हर एक जितने भी ब्लॉग बनेंगे सब में दिखेंगी। तो मिलाती हूँ चाची से, अभी क्या कर रही है दिखाती हूँ। आमा ने केले का नाम डब्बू रखा है, डब्बू हाँ। क्या करना चाह? हेलो कह रही आमा, केले में भी फल लगे हैं। हाँ कल है गे? चाची काट रही है इधर से घास, पेड़ में गई है, काट दी। अच्छा घास काट के चाची लेके आ गई हैं। इतना अच्छा पुआ बना रखा है तुमने, क्या कहे किचे हो? ये नाम कैसे बता? भीमू या भीकू? हमारा नहीं हन्ने हो मगर ये नाम लो पता नहीं सब ली। तुम बोलो अल्लाह कौन है? भीमू काटने जनू हमारा नहीं हन पायो कहीं भिकू का नहीं। ये मेरे मालाकोट साइड हूँ, मम्मी के भिकू कहें। तो सब्जी मैंने चढ़ा दी है और इधर केरली बैठ रखी है और इधर में ठंडी ठंडी हवा आ रही है शाम के टाइम पे और अंधेरा होने को आ गया है। तो इसके बाद अब मंदिर में पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद रोटियाँ बनाती हूँ। हस्बैंड गए हैं सामान लेने के लिए अभी किचन का, अभी आने रखे हैं और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है अभी शाम के टाइम का। कैली के सबसे ज़्यादा मज़े आ रखे हैं। कैली कैसा फील हो रहा है फिर? कैली इधर देख, कि पता नहीं कहाँ चले जा रही, बार बार बुलाना पड़ रहा है, गायब हो जा रही है, आ गई मेरी गोद में बैठ गई। इसने आज उल्टी कर दी पता है गाड़ी में। तो मैं और मम्मी बैठे थे गाड़ी की फ्रंट वाली सीट में और इस ऐसी मेरी गोद में बैठी थी और इसने मेरे सूट पर उल्टी कर दी। पूरी गाड़ी में इतना सर दर्द हो गया मेरा, भगवान क्या करूँ समझ में नहीं आया। सूट में उल्टी कर दी इसने भी, पानी से धोया और पूरी उल्टी की बदबू से सर में दर्द हो गई मेरी, ऐसा करती है। और बस में और लोग भी बड़े अजीब तरीके से देख रहे थे कि कैली ने उल्टी कर दी करके। तो सब्जी तो मैंने बना दी है, इसके बाद रोटी बनाती हूँ, पूजा करती हूँ। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, कैली बाय बाय कर दी, बाय बाय कैली की तरफ से।